नमो नोये सौ हरिहंतान नमो नोये सौ सिदान नमो नोये सौ आयरियान नमो नोये सौ जयान नमो नोये सौ त्रिकावती श्रावण ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामदं मोक्षदं से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम रूपमोहिनी मंगल कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगल नमस्मरिस्मराय स्वानुभूत्याचकास्ते स्वाय भवाय पूरी थी आवासन छुवाई नहीं यहाँ निश्चय नहीं है चलो ये ड्यूटी एकमात्र आजादी को बनता काम का था क्या कहा भगवान आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप इसमें पुण्य पाप का भाव जो राग है ये राग को अपना में करना ये एक ही बंद करता है संसार की जड़ ये है कोई बाई के मन का कर्म नहीं ज्यादा नहीं बने मनाया अंतर आत्मा शुद्ध स्वरूपी प्रभु अने एनो उपयोग शुद्ध होवो जोईए ये शुद्ध उपयोग ने बदले शुभ ने अशुभ राग यानी एकता बुद्धि ये निष्ठात भाव ये संसार परिभ्रमण में कारण आज बात है ये निश्चय नहीं है एकमात्र एक मत कही ना भगवान वितराग स्वरूप आत्मा अनाकुण आनंद स्वरूप उसमें राग आकुलता ने दुख स्वरूप ये राग को आत्मा की पर्याय में द्रव्य में तो कठोरता नहीं कभी पर्याय में उपयोग भूमिका में चाहे तो दयादान व्रत का परिणाम हो ये परिणाम अपना में अपना परिणाम उपयोग में एकत्व करना जीनिवास तो ये मिथ्या तो है ये मिथ्या तो अनंत संसार मिथ्यातना जब अनंत संसार निरूत का हो पड़ा है अरे संदय दृष्टि अरे ये उल्टा संदय दृष्टि उपयोग में रागे नहीं करता धर्मी संयम दृष्टि धर्म की पहली सीढ़ी पहली शुरुआत अपना आनंद स्वरूप भगवान वितराग मूर्ति प्रभु उसका उपयोग नाम परिणाम में शिव दयादान व्रत आदि का परिणाम के अशुभ आदि प्रभाव उसको अपना नहीं करता राग की एकता तोड़कर स्वभाव की एकता करता है इस समय दृष्टि देने वाले प्रभु हो आचार्य बहुत मुश्किल ही पड़ी थी जल्द समय दया में दान में व्रत में भक्ति में तब करो ये तो राग है आए तो कहते हैं कि अपना परिणाम में द्रव्य में तो नहीं द्रव्य में तो अपने राग एकता होता नहीं ये उपयोग स्वरूप पिता भगवान है शुद्ध आनंद ज्ञान दर्शन पिंड प्रभु उसकी पर्याय में राग का पिंड का पाप का विकार उपना करना वही मिथ्या भाव नीचे से संसार का संदेह दृष्टि उसे उल्टा है
संयम दृष्टि उपयोग में रखा भी नहीं करता। क्या कहते हैं कि काली द्रव्य में तो राग आदि कुछ यूज करते ही नहीं। भिखारी जो द्रव्य वस्तु है ये तो त्रिकाली निरावण मुक्त स्वरूप है। भगवान आत्मा पूर्णानंद अनाकुल शांत रस का सुन द्रव्य उसको तो आवरण है नहीं है, उसको उसकी परी उसमें पर्याय भी है नहीं है। वहां उसकी जो पर्याय वर्तमान परिणमन पर्याय है, जानना देखना उपयोग की पर्याय है, उसमें बात है प्रभु। उसमें वो पुण्य पाप का राग का भाव अपना उपयोग में एकत्व करना और स्वभाव को छोड़ देना वो मिथ्या है। संयम दृष्टि अपना उपयोग में राग का अपना करता नहीं। अभी बात है चारित्र धर्म प्रकट हुआ पहले संयम दर्शन होता है। संयम दर्शन या चारित्र होता तो संयम दृष्टि जीव प्रथम में अपने को उपयोग में राजा राग आदि शब्द है दया दान व्रत राज काम क्रोध भाव राग द्वेष का परिणाम अपने में नहीं करता। संयक दृष्टि संयक सत्य दृष्टि अपना शुद्ध स्वरूप की दृष्टि जिसको हुई है ये अपना परिणाम में उपयोग में पुण्य पाप का राग को एकता नहीं करता। अभी बात है संयक दृष्टि उपयोग में द्रव्य में नहीं है भाई सुनी जी द्रव्य में नहीं। द्रव्य तो त्रिकाली आनंद कर्ण प्रभु शुद्ध ध्रुव है। ध्रुव में कोई एकत्व करना तो नहीं करे है नहीं। उसका उपयोग ही जानना देखना परिणाम उपयोग है। उसमें राग ने द्वेष का परिणाम एकत्र नहीं करता। एकत्र करता है ये मिथ्या दृष्टि है और एकत्र नहीं करता है ये समय दृष्टि है। आओ मारो प्रभु संयक दृष्टि उपयोग में रागा दे नहीं करता एम थे भाई। हाँ शैली संतोनी द्रव्य में रागा जी तो कभी होता ही नहीं। द्रव्य तो त्रिकाली निरावण भगवान सच्चिदानंद हो परम स्वभाव भाव नायक भाव तो त्रिकाल निरावरण है। पर उसका उपयोग वर्तमान परिणाम जो जानना देखना है ये उपयोग में जब राग की दृष्टि पर्याय दृष्टि थी तब तो राग का अपना करते थे। पर पर्याय दृष्टि छूटकर जब स्वभाव दृष्टि हुई तो राग को अपना परिणाम में एकत्व करता नहीं। माधव जी हरी हाथों से प्रभु पहला आवता है हमारे फल होता नहीं जा रहे वहां पर लंगवा दलपत राम कवि आओ निशा मा प्रभुता प्रभुतारी तो खरी ये तो ईश्वर ने कहता था भाई तो अपना आप प्रभुता प्रभुतारी तो खरी मुजरो गले हरी प्रभु तू पर
करुणानंद महानाथ प्रभुता तारी तेरी प्रभुता कि मैं आत्मा भगवान स्वरूप हूं, ऐसी दृष्टि जब होती है तो प्रभुता की पर्याय में राज की एकता नहीं होती है। हाँ पर्याय नहीं होता है दृढ़ बात क्या जेने वहां से प्रभु मारण तो बहुत सूक्ष्म रूपी है अरे अनंत अनंत काल क्या अनंतवार मनुष्यपना मिला अनंतवार स्वर्ग में गई अनंतवार दिगंबर जैन साधु हुआ नवमी ग्रेड गई अनंतवार पुरुष ने आकार है लोक है चौदह ब्रह्मांड चौदह राज लोग असंग योजन पुरुष ने आकार है ग्रीवा ग्रीवेक है नव पासड़ा ग्रीवेक यानी ग्रीवा है सामने ग्रीवेक देव है त्या एकत्री सागर नहीं थी थी एक सागर में रस थोड़ा कूड़ी पल्लू पुन एक पन्ना असंग भागना असंग बज बरफ ऐसे एकत्री सागर अनंत भार गए दिगंबर मुनि लग्न होकर तब पंच महावर स्वाल का अंत वाल पंग तो राग की क्रिया थी शांति भाई हा लोग भाई त्याग ना मोवाई गया थे प्रभु एक वस्तु नहीं भाई भाई नो त्याग ग्रहण आत्मा में है ही नहीं ये तो आज्ञान पे लागे बपुए राग का ग्रहण त्याग आत्मा में है पर क्या ग्रहण त्याग आत्मा में पर क्या ग्रह पर दृढ़ भिन्न है कर्म को क्या ग्रहण छोड़े शरीर को क्या ग्रहण छोड़े पैसा को क्या ग्रहण छोड़े स्त्री कुटुंब को क्या ग्रहण छोड़े ये तो ग्रहण त्याग बिना की चीज है। भक्त किया उसने ये कि अपना शुद्ध स्वरूप वितराग मूर्ति प्रभु भगवंत सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप उसकी पर्याय में ये उसका स्वभाव में नहीं उसका शक्ति गुण में नहीं ऐसी पर्याय में राग की एकता करना कोई संसार और वो राग की एकता नहीं करना वो समय दर्शन समझ में आया इसका अर्थ क्या हुआ कि ये विनायक तो भगवान पूर्णानंद प्रभु दृष्टि उसका आश्रय लिया तब सम्यक दर्शन हुआ तब राग की एकता उसमें टूट गई भगवान आत्मा का वितराग पूर्णानंद प्रभु उसकी एकता हुई तो राग की एकता तो पर्याय की बात है ओ वस्तु तो वस्तु है कि कहा पर पर्याय में जब राग की एकता थी तब संसार मिथ्या था और पर्याय में राग की एकता टूटकर स्वभाव की एकता थी पर्याय में समझ में आया भाषा तो आदि से प्रभु भाषा भी कोई संस्कृत व्याकरण में है क्या सुमेर मंदिर ये भी न थी प्रभु तारी बात तो सिद्धि है जैसे कि सम्यक दृष्टि उपयोग में हो एना परिणाम में राजा भी नहीं करता कि कोई चाहे दयादान और भक्ति का परिणाम हो अपन राग ये अपने पर्याय में उसका एक तो नहीं करता परिणाम नहीं करते हाँ तो किसने रागादी नहीं करता उपयोग का और रागादी का भेद करते हैं अपना ज्ञान चैतन्य का उपयोग राग उसको भिन्न करते हैं अपना परिणाम में ध्रुव तो ध्रुव है नित्य कुतस्थ है
में आया आएगी बात यानी जो साहित्य खत्म लिखे उसने स्वाध्याय में वाचन पूछन करिए तो अनुराधन करम कथा तो छेली आए उपदेश तो छेलो आए पहले वाचन करना वाचन पीछे पूछना वाचन हुए बिना पूछे तो क्या समझे नहीं आया यहां लिखो मैं तो कहूं थे पेरी અમારા માસ્ટર હતા તે કોણ પ્રવર્તેલા નવોત્તમ કરીને એક માસ્ટર હતા રામ બૈરા બેરા નહોતા પછી ત્યાં નહોતા ઘરે હોય બીજે ને રામમાં જ્ઞાન નહોતા પછી એ રામતા હોય ને દસ વાગે રાંધે ત્યારે છોકરાઓમાં જે ડાયા થાય મગજવાળા હોય તારા એને બોલાવે બે ચાર છોકરાઓને અને એમ કે એમ આ પાઠ વાંચીને આવજો તો વાંચીને તમે શું સમજ્યા અને હું શું એનો અર્થ કરું છું એ તમને આપરો પડશે સંસ્થાની વાત છે ભણવાનો પાઠ અહીં એમ કે છે પેલું વાંચન થોડું શાસ્ત્રનું હોય પીછે પછી પ્રશ્ન કરે વાંચનમાંથી તો એનો પ્રશ્ન યથાર્થ કહેવાય અને પ્રશ્ન પીછે વાંચન પૂછન પર્યટન એને વારંવાર યાદ રાખવું એનું મરમ ધર્મકથા તો છેલ્લી અણુપ્રિયા વિચાર અણુપ્રિયા વિચાર કરનાર પછી ધર્મકથા આ તો ધર્મકથા સમજે વિના ઉપદેશ દઈને એવું લાગે છે અરે ભગવાન જાયકા ક્રમે એવી તું સમજે નહીં સમજ ને આયા કોઈ પણ માણસ ગમે તે ઉપદેશ દઈને લગે હા કે છે પ્રભુ એક વાર સંતો થઈ અમારા ઉપદેશ ને આ વાત આવી એમ કુંકુંદ આચાર કહેતે હૈ ભગવાન આત્મા સમ્યક દ્રષ્ટિ જો હૈ સચ દ્રષ્ટિ સમ્યક નામ સચ સચ નામ પૂરણ સચ સ્વરૂપ ભગવાન સત તો સચિદાનંદ પ્રભુ સત જ્ઞાન ને આનંદ આદિ સ્વભાવ કા પૂરણ સત સત્ય સત કા સત્વ સત્ય એસી જિસકો અંતર્દૃષ્ટિ હુઈ પૂર્ણાનંદ કા નાથ કા જિસને સ્વીકાર કિયા ઉસને રાજ કી એકતા તોડ દિયા આય મૈત્રી કરી તો અહીંથી તોડ દયા આય જોડી તો અહીંથી તોડ દયા ઉન્હોને દયાદાન કા ભાગ મેં એકતા તોડ દયા ભગવાન સે આત્મા કા તોડ દયા ઉન્નતિ અનુકાલ કર એમ જેને રાગની એકતા કરી એને પ્રભાવની ખતી કરી શકી જેને પ્રભાવ કી એકતા કિયા પર્યાય મેં ગ્રહ તો ગ્રહ उसने राज की इकट्ठी कर दिया राज की एकता तोड़ दिया राज थोड़ा है पर एकता तोड़ गई समझ में आया ऐसी प्रधानता से कदम लेना दृष्टि उपयोग में ओ हो राजी नहीं करता राज मेरा कर्तव्य है ऐसी दृष्टि संत की दृष्टि से होती नहीं राज अपना स्वभाव उपयोग में भिन्न करके अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य हूं ऐसी दृष्टि हुई उसकी राज की एकता टूट गई ये बिना राज की एकता टूटती नहीं
हाँ महाव्रत पाले अक्षय मुनि पाले दिगंबर साधु हो अनंत बार हुआ पर राग की एकता थोड़ी नहीं। उपयोग में जो राग की एकता है इसे सोचा बिना गंडक दर्शन होता नहीं। समझ में आया? उपयोग का और राधा आदि का भेद जानकर देखो है ना, जानना देखना ऐसा ज्ञान दर्शन उपयोग और राग मलिन और दो का भेद जानकर जानकर है ना ज्ञान पर राग आदि का स्वामी नहीं होता। ये मेरी चीज नहीं, मैं तो परमानंद का नाद पूर्णानंद प्रभु हूं। ये राख राका राग ये मेरा नहीं, मेरा स्वामी मैं उसका नहीं, ये मेरी चीज नहीं, मैं उसका स्वामी नहीं। सारी बातों से अर्जुन जी क्या मैं हाँ बिल्कुल आसान कृष्ण वो तो मम्मी हता ने मैंने अमे एम पहला क्षेत्र में बधु बात बीजी बापा एक मिट्टी में कितना फिर रागाधिका ने उपयोग का जानन लेखन का उपयोग उसका लक्ष्य हुआ तो उपयोग में राग की एकता टूट गई थी। ऐसा सम्यक दृष्टि जी स्व इसलिए उसे पूर्वोक्त चेष्टा से बंद नहीं होता कि चाहे तो क्रिया देह की हो सचेत का घात हो पर राग की एकता टूट गई ये अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को ये प्रकार का बंद नहीं होता। श्लोक 5 जप गुण सोचे नरो बस 43 नेह सवमी अवनी संते रेम बहुलमी ठाणे करी सते भयम चिंदई बिंदई ताली तलकल कैली वंश पिंडियो सचेत चेतान करी द्वानंग गायन गायन कुवंत स नाना विहेकरणे नीचे रो विचिंते बंधु न रे बंधु जो सोनुने भाव तमी न रे चैन तस रे बंधु नीचे रो विनय न काय से साई से साई एवं समाधि ठी वटन तो बोवेशु जो बेसु अकंतो बोवे राधा दी नदी पैरण विचारी जी सरी तो फिर वो ही बोल उस तेल सब को दूर कर व्यायाम करता शस्त्र से बौरज भरे स्थान कर अरुजा ताड़ पगली वासना दी छिन्न भिन्न बहु करे उपघात आप सचेत अवचित द्रव्यो का करे वो भांति के करणादि से उपघात करते उत्सही को निश्चय से चिंतन करो हृदमंद नहीं किस कारण जो जानना निश्चय बने चिकनाय सो उस नर विषय हृदमंद कारण वो ही है नहीं बन कराये से चाहिए जो ही विविध में वर्षता इस भांति सम्यक दृष्टि जो उपयोग में राजा दिन करे रज ही नहीं ले पाए। टीका टीका से न जैसे ही पुरुष संपूर्ण चिकनाई को दूर कर बोला मैं चिकनाई तेलने छोड़ी ने पची रज ना तो रज कम के आदि संयोग में आज चिकनाई को दूर कर देने पर चिकनाई को दूर कर देने पर
खेल की चिखा जने दूर कर दिया है, उसी स्वभाव से अत्यधिक भूल से भरी हुई परमाणु कर्म का भय है। सारा लोग भूमि में वही शस्त्र व्यायाम कर्म को माना शस्त्र वाली अधिकरण से क्रिया को कारता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के करण इंद्री द्वारा उन्हीं सचेत अचित वस्तु घात करता हुआ था। शरीर आदि की एक क्रिया होती हो तो अंदर में राज की एकता नहीं है, सम्यक दृष्टि है, वृणानंद का नाथ का स्वामी हुआ है, वो कारण के राज का स्वामी नहीं, तो संबंध नहीं। समझ में आया? धूलि से अलिप्त नहीं होता क्योंकि उसके धूलि के लिप्त होने का कारण किला भी का मर्दन है, उसका अभाव है। दृष्टांत उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव अपने में रागादि को न करता हुआ अपने में परिणाम में रागादि को नहीं करता हुआ, क्यों कि वस्तु स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन है, इसके अनुभव में दृष्टि हुई है, वो कारण से अपना परिणाम में शुद्ध स्वभाव से विरुद्ध राग उसको एकता नहीं करता। सर तुम्हारी मोटी है पहला तो आ करना है कि भाई की उद्बोधित होता है, समझ में आया? संयम दर्शन प्रकट करना है तो पहली चीज ये है, ये सम्यक दृष्टि चीज कैसे तब उत्पन्न होती है कि अपना त्रिकाली न्यायिक भाव का आश्रय लेकर परिणाम में शुद्धता प्रकट हो अने अशुद्धता का एकत्र टूट जाए तब उसका सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। अरे यार ये बात है, सम्यक इस प्रकार किया, जेम जेने चिकनाई दूर किया फिर ने पीछे व्यायाम इंद्रिय आदि का काम होता है, सचित का अचित का घात भी होता है, तो विकास नहीं तो उसको बंधन होता, धूड़ी नहीं छोड़ती। ऐसे सम्यक दृष्टि अपने में रागादि को न करता, शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप हूं, उसकी जहां अंतर में दृष्टि में स्वीकार हुआ तो उसकी पर्याय में राजा भी है, उसको एकता नहीं करता है। बराबर समझ में आया? यही बात है भाई, पूर्व बात है। ज्ञान सहजानंद प्रभु सहजात्म स्वरूप सहजानंद स्वामी नाना नहीं हो, कितने सहजात्मा के स्वामी नाना स्वामी नाम निराशन तो सहजात्म स्वरूप हो रहा है। अनादि अनंत निर्मो, अनादि है, अनंत का रहने वाली चीज है ये सहजात्म स्वरूप, अविकारी स्वरूप, विदराग स्वरूप, मूर्ति प्रभु आत्मा। ये चैतन्य विदरागी चैतन्य प्रतिमा है भगवान, चैतन्य प्रतिमा। उसकी जहां अंतर्दृष्टि हुई स्वीकार हुआ तो दृष्टि में से राग की एक तरफ टूट गई। समझाई भाई? हाँ बापू आई मार्ग
प्रभु सारो मारे हाथ है बराबर परमात्मा नो पगार है संतो नो पगार से हितरा जी प्रभु चारों सर्वजी पूर्ण शुद्ध चैतन धन है नाथ भगवान तेरी महिमावंत स्वभाव स्वरूप तेरा है जिसकी जो उसकी दृष्टि हुई तो अपना परिणाम में राग की एकता सत्य से टूट गई थी भगवान मिल गया विदराग स्वरूप परमात्मा का बेटा हुआ राजा को क्यों साथ में लिए हाँ મંદિર બનાવો દાન લો બે પાંચ લાખ હવે ભાઈ સાંભળ ને એ બધી ક્રિયાઓ બહાર ની હોતી હૈ ને તે રાગ હો તો તે રસ્તો શું થો હું કોઈ ધર્મ નહીં પૂર્ણાનંદ નો નાદ પ્રભુ નિર્વિકલ ચેતન ઘન ઉસમેં જીસકી એકતા બુદ્ધિ હોઈ ઉસકો યહાં સંગત દ્રષ્ટિ કહેતે હૈ ભગવાન કા બેટા કિયા જિસને અનાદિ સે રાજ કા બેટા કરકે પામર હોકર રખડતે થે સમજ મેં આયા સમ્યક દ્રષ્ટિ અપને રાગાદી કો નહીં કરતા કરે પરમાનંદ સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન ઘન જ્યાં દ્રષ્ટિમાં દોલત આવી ખજાના દીક્ષા દક્ષી હવે એક ખજાને મેં એકદમ હુઆ તાળા ખુલ ગયા રાગ થી એકતા થી તો તાળા મન થા રાગ કા તોડ કર એકતા હોય તાળા ખુલ ગયા ખજાના ખુલ ગયા ભગવાન અનંત આનંદ કા ખજાના હૈ આનંદ જ્ઞાન દર્શન આદિ આનંદ ગુણ કા ખજાના હૈ સમજ મેં આયા જિસકી દ્રષ્ટિ હુઈ સ્વભાવ સન્મુખ હુઆ રાજ સે વિમુખ હુઆ બરાબર હૈ પ્રભુ આવી વાત હૈ ગાંધીભાઈ હા બસ મજવાજી મુજબ બાપા હા ભાઈ ભગવાન સ્વરાશના અવતારમાં દુઃખી થઈને રખડે છે કોઈ શરણ નથી હે કોઈ શરણ હા એને પુન પાપ નું શરણ નથી એટલે વિકાર છે શરણ હે આત્મા ઉકે તો ખબર નહીં સતારી શરણ માં આવે છે ને માંગણીક એ શરણ આ આત્મા કેવડી પંતુ તમો શરણ એ બધી પર્યાય કી બાત હૈ જેણે રાગ ની એકતા સે તોડકર પ્રભુ સ્વભાવ કે એકતા ક્યા એ સન્મક દ્રષ્ટિ કો રાગ પરિણામ મેં એકતા નહીં કરતા ભગવાન કા બેટા હુઆ ક્યા પામર ભિખારી કો એકતા ક્યુ કરે છે એ તો ખાંકરા હૈ રાગ તો ખાંકરા મેલ દુઃખ હૈ ભગવાન તો આનંદ મૂર્તિ પ્રભુ હૈ અતિન્દ્રિય આનંદ કા સચિદાનંદ સ્વરૂપ હૈ ઉસકા આકરું કામ લાગે ભગવાન એવી ચીજ છે અભ્યાસ એ વાત અત્યારે સાંભળવા મળતી
ये कथन तो आ रही है, एने अभ्यास नहीं, अभ्यास एन पहले कठन से कि नहीं सत्ता हे कि नहीं तो दुर्लभ से एम कही समझा खाए कठन नो अर्थ कहने माची अभ्यास नहीं है, अभ्यास बिना कठोर है, अभ्यास है ना पहला है गीता जी बन के अभ्यास आम अभ्यास चला अभ्यास करे श्रवण करे वांचन करे प्रश्न करे यथार्थ प्रकार जानने माटे प्रयत्न करे वारंवार धारण करे लक्ष्मण पीछियांतर में उतरे संयम दृष्टि इसी प्रकार इतने समझे एम विकास दूर करके मानस रजकण में व्यायाम करते हो पर बंधन नहीं होता दूर विकास वाला विकास दूर गई तो बंधन नहीं होता इसी प्रकार संयम दृष्टि जीव को अपने में रागा यदि को न करता हुआ इष्ट अनिष्ट में राजद्वेष क्या होता था ये राजद्वेष अपने में नहीं करता हुआ भिन्न रखता हुआ ये कहां कर आया है मार नहीं समझ में आया उसी स्वभाव से कर्मयोग गुदुरों के भरे हुए लोक में हो भले हो संयम दृष्टि लोक में भरे कर्म महापुरमा है यहाँ भले हो मन मतन काय के क्रिया करता हुआ हो उन्हें एक प्रकार के कर्णों के द्वारा इंद्रिय द्वारा सचेत सचेत वस्तुओं का घात करता हुआ हो कर्म रूपी रस्ते नहीं बनता पर वो राज की एकता नहीं मजे कर्म से बनते नहीं शिकायत हो तो धूल से बंधे शिकायत नहीं तो धूल से बंधे नहीं एम राज की एकता हो तो बंधन हो पर राज की एकता नहीं तो बंधन नहीं अच्छा तो सहरी देखो भाव तो भाव भगवान यानी अनंत काल की फिर रुचि नहीं जब धर्म ने नामे पर गोटा बेगर मारे हाँ जी जी प्रभु तू क्षेत्र ही गयो हाँ बाहर में क्षेत्र रह जाए तो जरी दुख था पर अंतर में क्षेत्र रह गया खबर नहीं रयावत ने व्याख्या दी थी जानी कि भाई पग दबावा ये रयावत है तो पग दबावनार ने रयावत है दाब नार ने नहीं ना दाब दार ने जो रयावत को हो तो कहने तो ना था मुमकिन पक तो ये खरेखर रेवा रयावत भी नहीं निश्चय रयावत तो उसको कहते हैं अपना स्वरूप में शुद्ध उपयोग प्रकट करना ये वयावत है शुभ ने अशुभ उपयोग को छोड़कर ये बात है प्रभु है बहुत अभी तो पूछू मैं फिर आया था पर मैं वाचू न हम घनी बार वखन करी श्रद्धा पर राची ने तो मारो मोशम जेनी वही बात हाँ गमंडल की
છે ભૂલી ગયા છે, મારામાં કઈ ભૂલ હોય તો બતાવો. ખબર છે છેલ્લા ખબર છે, મારામાં કોઈ તૃપ્તિ હોય તો બતાવના. क्या कहते हैं समझ में आया? गर्मी इसको कहिए कि अंतर में जो पुण्य ने पाप दयादान व्रत भक्ति का राग आता है उससे मेरी चीज भिन्न है. मैं रागमय नहीं. आ बात ये भी सांभड़ी नहीं, दुनिया एमने रजवा करे नमस्कार. भगवान की भक्ति का राग, जात्रा का राग, व्रत का राग, पूजा का राग, ये राग से मेरी चीज भिन्न है. ये राग मैं नहीं. सम्यक दृष्टि जीव अपने में रागादि को नहीं करता है. शब्द धर्मनी पहली शुरुआत, धर्मनी पहली सीढ़ी कि जे कोई दया दान व्रत भक्ति का परिणाम राग है ये मेरी चीज नहीं, ये बंध का कारण है, मैं नहीं. मैं तो अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा, ऐसी जिसको दृष्टि सम्यक हुई ये राग की क्रिया को, राग का परिणाम को अपने में नहीं करता. जड़ की क्रिया तो अपनी है ही नहीं, शरीर के हलन चलन ये तो जड़ की क्रिया है. ये आत्मा कर सकते है नहीं, आत्मा छोड़ सकते, ये तो ग्रंथ आ गया नहीं. समझ में आया? दया दान व्रत यात्रा भक्ति का परिणाम जो राग, ये राग अपना स्वरूप में एकत्व करना और मिथ्यात् अज्ञान मूलता है. ये संसार है, ये राग की एकता तोड़कर ज्ञानानंद सहजातम प्रभु आत्मा उसमें एकता करना, तो राग की एकता टूटती है. धातुओं का भाई ये अनेक प्रकार ना करुणों ना व्यवहार करे, सचित घात करे, कर्म से नहीं बनते. जेने अपना ज्ञानानंद सजात्म स्वरूप परमात्मा जिनेश्वर देवे जो आत्मा कहा, ये आत्मा पूर्णानंद शुद्ध चैतन्य कण, इसकी जिसने दृष्टि किया, सम्यक दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, राग मेरी चीज नहीं ऐसी बान हुआ, तब तो कर्मबंध में होता. गांधी भाई हम हामिल नहीं कोई दुनिया भावना बात अपना दिगंबर धर्म से ना रोम से जूना दिगंबर अपना नवा दिगंबर मंदिर जो दूसरे અમારે એમ જ ભાઈ હતા અગ્રસ, અત્યારે અગ્રસ થશે. અહીંયા કહેતે હૈ કે સંગત દ્રષ્ટિ એટલે ધર્મની પહેલી સીડી, ધર્મનું પહેલું પગથિયું. અપને સ્વભાવ ચૈતન્ય મૂર્તિ ભગવાન उसकी दृष्टि होते से ये मेरे स्वरूप में राग नहीं, तो राग की एकता करना उसको टूट जाता है. शर्तों घनी आ सर्त के राग परिणाम है, राग है मेरी चीज नहीं. मेरी चीज तो आनंद खन प्रभु है, शुद्ध सचिदानंद प्रभु,
ये प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर है, आत्मा को देखा, निज सत्ता है शुद्ध, मेरी सत्ता शुद्ध है भगवान ने देखा है। समझ में आया? प्रभु तुम जान गरी थी सब जग देखता ओ नाम निज सत्ता हमने देखता हो नाम प्रभु हमारो आत्मा पवित्र शुद्ध है। अंत में देखो तो राग ये आत्मा नहीं है ना, आप देखते हो बराबर है। भगवान तारा घर निवासन को अब हम कब हम निज घर आए आते हैं ना। अब हम कब हम निज घर आए और घर ममत अनेक नाम धराए। उनमें किया दया मैं किया, पाप मैं किया, ना किया, पर का स्वाग किया, पर का भूडा किया, ऐसा नाम धराए प्रभु से। पर घर ममत अनेक नाम धराए अब हम कब हम निज घर आए। निज घर भगवान सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर है। जो आत्मा कहा ये आत्मा दयादान का विकल्प से भिन्न है। नव तत्व है कि नहीं? नव तत्व में पुण्य पाप तो भिन्न है, आत्मा से तो भिन्न है। नव है समझ में आया? यहाँ कहते सुंदर दृष्टि जीव चौथे गुण स्थाने हो, विशेष बात अंतर की बात है। तथा जेने आत्मा आनंद स्वरूप की एकता हुई है, राग की एकता टूट गई है, एक अनुबंधन नहीं करता। समझ में आया है? क्योंकि उसके बंध के कारण भूत राग के योग, राग में जुड़ने का अभाव है। चला अपना शुद्ध स्वरूप परमात्मा उसके पर्याय को जोड़ दिया है, राग के जोड़ना टूट गया है। गरीब लोगों फिर रखड़ता रखड़ता दुखी प्राणी अज्ञानी है। एने परमात्मा जिनेश्वर दे त्रिलोकना कई पुकार है। एक बार तो सम्यक दर्शन प्रकट कर कि जे सम्यक दर्शन में पूर्णानंद का नाथ का तेरे अनुभव होगा, तब तेरे राग की क्रिया से दिन तेरा दान हो गया। समझ में आया? राग का योग शब्द पड़ा है ना, ये राग नु जोड़ाम। राग भले बहुत पड़ा पर जोड़ाम जो है इससे टूट जाता है। जीणी बात है प्रभु वितराग जिनेश्वर का मार्ग कोई अलौकिक दूसरा है। अचार्य को दूसरी रीते सब चाले दर्शन अजय ने जैन मान बैठे बैठा है। जैन कोई संप्रदाय वाला नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। जिन सोई आत्मा अनसोई कर्म, यही वचन से समझ ले जिन वचन का मरण। जिन सोई आत्मा अनसोई कर्म, आज आदि कर्म ये आत्मा नहीं, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मरम। त्रिणलोक नानाथ वितराग्नि वांग मरमा है, ये बिना थोता है सब। यहाँ कहते हैं क्योंकि उसके बंध के कारण भूत राग के योग, राग के जुड़ना। शुभ अशुभ राग उसके साथ एकत्र जोड़ना, ये बुद्धि समग्र दृष्टि को टूट गई है। समझ में आया?
लंगड़ा रह गया है राज जै मिंदरी बिल्ली घर भांग जाए ऐसी चले घर भंग भंग जाए एम से सुंदर दृष्टि भले चक्रवर्ती ना राज में हो संकेती तीर्थंकर और मां शांति ना से अभी रंगा ना धनी संकेती था चक्रवर्ती था हाँ कामदेव था शांति नाथ अंतर में राज की एकता छूट कर आनंद का अनुभव है उसको राज की एकता बुद्धि से जो मिथ्या स्थान बन पड़ते थे बंद नहीं है बराबर स्थिरता का थोड़ा है उसकी बात समझ में आया मंगला जी अभी बात पूछे क्या किया सुंदर दृष्टि को अपना स्वभाव में राग की एकता नहीं करते हुए राग को जोड़ा नहीं करते हुए उसको खनबंध का अभाव है कर्म भी रस्ते नहीं बनता क्योंकि उसके बन के कारण भूत राग के योग राग नो जोड़ा राग का संबंध संबंध अनेक प्रकार राग का बंद हो राग साथे नाता बन जाए ये नाता तोड़ दिया है उनके समझ में आया ये राग के योग का अभाव है राग के जोड़ान का अभाव है धर्मी पहली गुणस्थान चौथे गुणस्थान में क्या खबर क्या काम मिले धर्म शू है धर्म केम थे बाबा संदर्भ दृष्टि के पूर्वोक्त पूर्वे उक्त या प्रमाणे सर्व संबंध होने पर भी भाई का सर्व संबंध हो राज पाठ कुटुंब शरीर भले हो सत्य सत्य का गार्ड भी हो क्या राज के संबंध का अभाव होने से भाई का सर्व संबंध होने पर भी अंतरराग का संबंध का अभाव होने से कर्मबंध नहीं होता सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन का प्रकार है मिथ्या से जो बनता है बंधन नहीं होता अनंत संसार का कारण तो मिथ्या है संसार ही मिथ्या भी संसार है संदर्ग दर्शन ही मोक्ष का मार्ग ही मोक्ष है समझ में आया संदर्ग दृष्टि के पूर्व सर्व संबंध होने पर भले हो के बाहर ना संबंध की राग के संबंध का अभाव होने से कर्म नहीं होता है इससे इसके समर्थन में पहले कहा चुका है पहले आया हुआ था तो इसी अर्थ का संस्कार कहते हैं 165 लोक कर्म ततो अस्तु सो अस्तु परिस्मरणात्मक कर्म तत् तत् अनुस्मरण करणानि संतु चिद अचित व्यापारन चु तत्जा दिन उपयोग भूमि अनयन ज्ञानम भवन केवलम बंदम नेव कुतो अपि पेति अहो संदर्भ दर्शन आत्मा ध्रुव जो संदर्भ दर्शन का माध्यम श्लोक इसलिए कर्म लोक सु बहु कर्मयोग जी बहुत से भरा हुआ लोग हो भले हो कि हमारे क्या कितने चीज हो परिसमंदा के हो मन वचन कह योग की क्रिया भी भले हो मन वचन कहा कि धानी करणादि अस्मिन अस्तु करण इंद्रिया की भले हो तो चिद व्यापार वस्तु
मेरा आज चेतन अचेतन का घात भी हो और भले चेतन मेरे क्या है। जो मुनिराज कहते हैं पंच महाव्रतधारी दिगंबर संतन लाभ हो उनका अर्थ ध्यान कराते हैं। राग की एकता नहीं तो उनसे कोई बंधन नहीं है। हम कहते क्यों नहीं आई और क्यों बहु बाबू धर्म की शुरुआत कोई अपूर्व है पीछे सारी तरह नहीं तो बात और रुकी जाए। सम्यक दर्शन बिना तो धर्म की शुरुआत होती नहीं। ये सम्यक दर्शन पूर्णानंद का नाथ को अनुभव में लेते हैं। राग की एकता टूटते तब सम्यक दर्शन होता है। ये वक्त है उसको किसी भी कारण से निकट बंद को प्राप्त नहीं होता है। केवल संगदर्शी आत्मा राजा जी को उपयोग भूमि में नहीं लाता हुआ। देखो उपयोग भूमि पर्यायी भूमि वो दृढ़ मत गया उपयोग भी जानना देखना भी उपयोग है उसमें राज नहीं लाता है। एक तो ध्रुव है या तो लाना छोड़ना कुछ है नहीं तो ध्रुव है। तो अपना जो परिणाम है उपयोग उसमें राग जिसको नहीं लाता समझ में आया। मैं अज्ञानी उपयोग में राग जिस लाता था रे में लाते थे तो है ही नहीं समझ में आया। वस्तु जी भगवान त्रिलोकनाथ द्रव्य है ये तो त्रिका निरावरण है। सचिदानंद प्रभु नित्य ध्रुव उसकी तो बात यहाँ है ही नहीं ये तो निरावरण है। उसमें कोई राग का लाना राग का छोड़ना तो उसमें है ही नहीं। पर्याय में राग को एकता करना पर्याय में राग को तोड़ना ये बात है। भाषा तो शादी से प्रभु भाव बड़े कठिन है। हाँ काम सुधाई कैसे केवल एक नाम रूप परिणित होता हुआ राजा जी को उपयोग भूमि में नहीं करता हुआ है। पुण्य पाप का भाव को उपयोग भूमि में नहीं करता हुआ नहीं लाता हुआ केवल ज्ञान भवन एक ज्ञान ज्ञाता दृष्टा में हूं। ज्ञान रूप परिमित होता हुआ मतलब राग रूप परिमित था ना अज्ञान रूप परिमित हुआ राग से भिन्न हो गया तो स्वरूप जो आत्मा ज्ञान स्वरूप आनंद है तो ज्ञान रूप परिमित हुआ पर्याय पर्याय न हो कुतपी बंधम ध्रुव नये किसी भी कारण से निश्चित बंध को प्राप्त नहीं होता। ओहो देखो इस सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा विशेष की